एलोकेशन हमने सीख लिया, पैसा हमको ऐसे ही डालना है, ठीक ठीक है। आगे बता देता हूं, 1,00,000 रुपया दिया था, आज के हिसाब से 40,000 रुपया मैंने डाला, ठीक है। अब 40,000 रुपये को कैसे रोटेट करें, अभी तक तो इतनी लंबी कहानी ये हुई है, अभी हमने शेयर नहीं खरीदे, अभी तो ये हुआ कि 40,000 रुपये डालने हैं, ये इतनी मेहनत अभी ये हुई कि अभी 40 डालने हैं, 60,000 को डेट में डालना। अब ये 40,000 को अगर मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ और मैं एक प्रोफेशनल की तरह काम करता हूँ तो मैं इससे इंट्राडे नहीं खेलने लग जाऊंगा, ठीक है। मैं इसका 60% पैसा रखूंगा कम से कम इन्वेस्टमेंट में, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म, और 40% पैसा मैं इसको रखूंगा पोजिशनल या सॉरी ट्रेडिंग में। ठीक है, यानी कि 24,000 रुपया इधर और 16,000 रुपये इधर, ये 24,000 रुपये आपके लॉन्ग टर्म में रहेंगे। लॉन्ग टर्म वो स्टॉक्स हैं, आप लोग फंडामेंटल्स पढ़ चुके हो, आप लोग वो फंडामेंटली रिसर्च करके अपने स्टॉक्स निकाल सकते हो जी, या आप किसी ऐसे आदमी को ट्रस्ट कर सकते हो जिसको आप ट्रस्ट करते हो और आपको लगता हो कि इसकी रिसर्च अच्छी है, या ऐसी कोई कंपनी जो रिसर्च रिपोर्ट्स बनाती है, हर कंपनी बनाती है, सारे ब्रोकिंग हाउसेस बनाते हैं, तो आप उनके भी फंडामेंटल स्टॉक्स को लेके काम कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा आप अपने बनाओ। क्लियर, 24,000 रुपये कम से कम 10 स्टॉक लो, 2400 रुपये इंटू 10, एक जगह नहीं डालना, 2400 रुपये के हिसाब से इंटू 10 स्टॉक चूज करके आप इन्वेस्टमेंट में डालो, ये तो लॉन्ग टर्म रहेगा, इसको आपको जल्दी से टच नहीं करना, ना इनके कोई स्टॉक लॉसेस होंगे, तो क्या ड्यूरेशन लगभग लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन, अगर लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन ये होगी, अगर निफ्टी की पीई 27 से ऊपर चल रही है तो लॉन्ग टर्म 8 साल मान के चलो, और अगर निफ्टी की पीई 17, 18, 19, 20 चल रही है तो 4 से 5 साल लॉन्ग टर्म मान के चलिए। सर एक बार बताएं कि नोट डाउन कर, अगर तो निफ्टी की पीई 27 और 28 के ऊपर चल रही है आज की डेट में, अगर मेरे से कोई पूछेगा व्हाट इज लॉन्ग टर्म, तो मैं बोलूंगा सर 8 साल। अगर सर 27 से नीचे होता है तो, अगर नीचे आती जाएगी उसके हिसाब से वो कम होता जाएगा। इसकी कोई कैलकुलेशन करने का कोई फॉर्मूला है कि कितने ईयर से माइनस कर रहे हैं? आप वैसे ही लगा सकते हो, देखो 27 और 28 का मतलब आप 8 साल मान के चलो, अगर आपकी 22 और 26 चल रही है तो आप 4 से 5 साल मान के चलो, 18 के आसपास चल रही है तो 2-3 साल मान के चलो, ठीक है। लॉन्ग टर्म मतलब मिनिमम 1 साल तो है ही, हाँ अगर आप 18 पे हो तो आप 1 साल मान लो, ठीक है। अब आप में से किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर ये 18 ही जो आपने निकाला हुआ है ना, और आपने किसी ने बोला था कि आपके किसी सर ने आपको बताया था कि अगर 15-16 के आसपास है तो काफी अच्छी है, तो काफी अच्छी होती है, और अच्छी क्यों होती है ये बताया था? इतना मैंने तो बस ये कुछ एक सेकंड वाला क्वेश्चन पूछा था, ये टॉपिक था, अच्छी क्यों होती है? शेयर्स के प्राइस कम होते हैं उस टाइम पे, और उस टाइम डिमांड नहीं होती, कोई बात नहीं, ये एलोकेशन समझ में आ गया, फिर आएंगे हम ट्रेडिंग पे सीधा। चलो अच्छी क्यों होती है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ये कई अच्छे बच्चे आप लोग अच्छे क्वेश्चन पूछते हो ना, उसमें फिर मुझे देर लग जाती है। अच्छी क्यों होती है 18 की पी? देखो हमारे यहाँ कोई भी कैलकुलेशन जो चलती है ना, खासकर फाइनेंस के सेक्टर में, हम कोई भी चीज की जब नापते हैं ना तो उसको अपनी किससे नापते हैं, बेसिकली रिटर्न्स को हम नापते हैं एफडीज की रिटर्न्स,
अभी हम 7-8 बच्चे बैठे हैं, है ना, वो पूरा ट्रेंड चेंज हो जाता है, आप नोट करो। अब मैं भूल गया सर, एफडी से तो होता क्या है कि जब हम मार्केट में रिटर्न्स को कैलकुलेट करते हैं, क्यों कहते हैं यार मेरे को ब्याज पे पैसा चाहिए, अच्छा कितना चाहिए, 2,00,000 रुपए दे दे, ठीक है क्या ब्याज देगा, 9%, अरे क्या यार एफडी में मिल जाता 7%। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज को एफडी से ही कंपेयर करते हैं, है ना। तो हमारे लिए रिटर्न्स का बेंचमार्क क्या है, एफडी पे आजकल कितना ब्याज मिलता है, 100 रुपए की एफडी करता हूँ तो मुझे 106 रुपए मिलते हैं, यही होता है ना। हाँ जी, हाँ जी। यानी कि मैंने 100 रुपए का शेयर खरीदा और मुझे उस पर 6 रुपए की ग्रोथ मिल रही है, या अर्निंग्स मिल रही है, यही मतलब है ना दोनों का। यस सर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सही है कि अगर मैं 100 रुपए खर्च रहा हूं तो मुझे 6 रुपए की ग्रोथ बैंक दे रहा है, ठीक। तो इसका मतलब दिस इज प्राइस एंड दिस इज इंटरेस्ट अर्निंग,